तो जी देखें, आज हम जो के पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, बट इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। ये जो था वो चैप्टर, मतलब ये टॉपिक रह गया था, ये मैं आपको वो थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस क्या है। इसकी बेसिक चीज़ आप देख लें, द स्प्लिटिंग ऑफ अ वैक्टर इंटू इट्स कम्पोनेंट इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर। यानी कि वैक्टर का टूटना, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, कंपोनेंट में टूटना, उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो भाई देखें किस तरह टूटता है ये वेक्टर। अब देखें, ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल एफ को हमने कंसीडर कर लिया, ये एक वेक्टर है और हमने ये वाई एक्सिस और एस एक्सिस के दरम्यान इसको रखा, ठीक है ना। अब ये टूटेगा ये, ठीक है ना, ये अब इसको टूटना है। तो ये एक, ये एक्स एक्सिस में टूटेगा और वाई एक्सिस में टूटेगा, ठीक है ना। तो इसको टूटने को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अब आगे जाके आप ये भी पढ़ सकते हैं, इस मतलब हेड टू टेल रूल में क्या होता है। हेड टू टेल रूल में इसकी जो टेल होती है उसको हम इस हेड से मिला देते हैं, तो ये पूरा एक रिजल्टेंट वेक्टर बना सकते हैं आप, ठीक है ना। ये आप आगे आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये जो चीज़ थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर थी। अब ये कुछ चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ जाती हैं। देखें, आपने एक एंगल फॉर्म किया, ठीक है ना, ये एंगल हो गया, थीटा आ गया, ठीक है ना। अब याद रखें, इस थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो चीज़ होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूस क्या चीज़ कहलाती है, वो कहलाती है जो थीटा के ऊपर वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और बिल्कुल थीटा के नीचे जो होती है उसको हम कहते हैं बेस। ये बात आप याद रखें, बस आपको इतना याद रखना है कि जो एंगल है, जहाँ भी एंगल फॉर्म हो रहा है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और उसके ऊपर वाली साइड हाइपोटेन्यूस और नीचे वाली साइड बेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एंगल हो जाता है, फॉर एग्जांपल एंगल थीटा हो जाता है यहाँ पर, तो ये जो उसकी जो सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर कहलाती है, ऊपर वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है, और नीचे वाली क्या कहलाती, बेस कहलाती। तो कोई भी एंगल किसी भी चीज़ का हो, आप इसकी हाइपोटेन्यूस और बेस को निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, जो फॉर्मूले दो फॉर्म हो रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई एफ सीन थीटा। अब देखें, एफ एक्स एक्स आ रहा है ना, तो यकीनन जब भी एक्स की डायरेक्शन में कोई भी चीज़ आएगी हम उसको कॉस थीटा से कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स हमें मालूम करना था तो हम कॉस लगाएंगे, और ऊपर जब जाएगी यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, वाई एक्सिस में होगी, तो वाई एक्सिस के लिए हम सीन लगाएंगे, ठीक है। ये दो जो छोटा सा डिफरेंट है आपको याद रखना है, आप ख़ुद भी मेकिंग फार्मूला करके आप इसको दोनों को बना सकते हैं, और सिंपली रेजोल्यूशन वेक्टर वाले न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। अब ये देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर, अब हम जो है वो जो टॉपिक पढ़ना था आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर, जैसे कि पांच टाइप की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखें, पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, ये आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना, और पूछ लिया जाएगा ये कौन सा लॉ है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस लग जाए और फिर बी क्रॉस ए लग जाए, इट्स मीन इट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। कम्यूटेटिव का मतलब यही होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर लग रही हो और माइनस का साइन यहाँ लग रहा हो इजिकल टू के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ वेक्टर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बी ए कर सकते हैं, सी बी कर सकते हैं, इस तरह घुमा सकते हैं। बस आपको याद रखना है ये साइन लग रहा होता है इजिकल टू के बाद और क्रॉस प्रोडक्ट लग रही होती है, तो इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अब देखें, जो दूसरा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या चीज़ होती है, देखें यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, फिर प्लस का साइन लग रहा है और फिर ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इजिकल टू के बाद हम देखें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगी जा रही है और फिर प्लस होके ए सी लग रहा है। बिल्कुल सिंपल, आप देखें ये जो छोटी वैल्यू है इसको पूरा का पूरा उन्होंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ। आप देखें ए बी से मल्टीप्लायर होता तो ए क्रॉस बी आ गया, फिर प्लस लग गया, फिर ए सी से मल्टीप्लायर होता ए सी लग गया, सिंपल, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब यही होता है कि हम कोई भी वैल्यू को जो डिस्टर्ब होती है उसको सिंप्लीफाई कर दें। तो ये हमने सिंप्लीफाई करी हुई है, कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई दे दी जाएगी पेपर में, और आपको शायद हो सकता है खुद सिंप्लीफाई करना हो, और अगर सिंप्लीफाई की भी हो तो आप याद रखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एग्जांपल है। तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, देखें इफ ए इज पैरेलल टू बी, देखें अब अगर वैक्टर ए पैरेलल हो जाए बी के, तो जाहिर सी बात है जो एंगल बनेगा वो ज़ीरो बनेगा, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी ज़ीरो आ जाएगा। अब ये देखें इसकी ना मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ये आ गया एक वेक्टर,
ये मैं कह देता हूँ इसको ए, ये भी आ गया बी, ये भी दोनों क्या हैं, दोनों पैरेलल हैं। जब भी कोई भी पैरेलल वेक्टर होंगे तो जो थीटा होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो इसमें जो होगा वो थीटा क्या होगा, 90 के बराबर होगा। ये दो चीज़ें आपको डिफरेंट करनी, इसको आप राइट एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर राइट एंगल, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। लेकिन इसको आप पैरेलल कहेंगे, पैरेलल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जब दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा ज़ीरो हो गया और ए क्रॉस बी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, सिंपल, ठीक है ना। ये आपको एमसीक्यूज़ में दे दिया जाएगा और यहाँ आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा कि बताएं, ये पूरी वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है ना, और बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप बताएंगे थर्ड प्रॉपर्टी है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि यहाँ पर जो थीटा हो रहा है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, राइट एंगल हो रहा है या पैरेलल हो रहा है। तो सिंपल आपका आंसर होना चाहिए पैरेलल हो रहा है, इसलिए ये ए क्रॉस बी ज़ीरो आया है, सिंपल। अब देखें यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर बताए दी गई है, ठीक है ना। हमने परपेंडिकुलर पिछला डिस्कस किया था किस तरह होता है, ये देखें, इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, राइट एंगल बोल रहे हैं, बात एक की है, ठीक है। ये वेक्टर अब ये जो है वो परपेंडिकुलर हो गया है तो थीटा 90 लगेगा और एमसीक्यूज में ये आपको वैल्यू दे दी जाएगी कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए प्रोजेक्शन बी ए के बराबर होता है, तो बताएं यहाँ पर कौन सा एंगल लगा होगा। तो सिंपली आप बताएंगे 90 का एंगल लगा होगा। तो आप ये, आपको ये दो तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है कि 90 का एंगल लग रहा होगा तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी, बस इतना ट्रिक याद रख लें आप। लेकिन अगर यहाँ पर ज़ीरो लग जाए तो आपको याद रखना है कि थीटा भी एंगल भी ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अब पांचवी प्रॉपर्टी देखें, ये पांचवी प्रॉपर्टी यूनिट वेक्टर वाली है। अब देखें मैं बताता हूँ इसको किस तरह आता है ये ना, एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताएं k मल्टीप्लाई बाय आई किसके बराबर होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बट मैं आपको ट्रिकी एक ट्रिक बताता हूँ इन सब के ज़रिए, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चे रट्टा लगाते हैं इसको, मैं बगैर रट्टे के आपको समझाऊंगा कि देखें यहाँ पर कोई भी मतलब पूछ लिया जाएगा एमसीक्यूज में कि के क्रॉस जे किसके बराबर होगा, तो आपको करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। एमकैट में आपके पास पेपर में भी देख लें तमाम क्वेश्चन आए हुए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें आपको सिंपल एक सीरीज में चलना है, पहले मैं इसके ज़रिए समझाता हूँ। आप ये पूरा टेबल चार्ट पेपर में भी ड्रॉ करके आसानी से आप आंसर लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे बराबर होता है के के, ठीक है, हमें तो इतना पता है आई जे के, एक सीरीज चल रही है आई जे के, ठीक है ना। अब आई जो है वो यहाँ लगाएंगे हम और ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आगे हो गया आई की जगह, ये भी थोड़ा सा आगे हो गया, तो ये क्या हो गया जे के फिर आई, फिर ये भी उठा के हम जो भी मतलब यहाँ वैल्यू आ रही होगी ना, हम उठा के इधर कर देंगे इसको, तो ये भी हमने उठा के इधर कर दी, तो ये जे आ गया, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये जे ये आगे बढ़ेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बस ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई प्लस में। अब आपने देख लिया एक दफ़ा ये आ गया के आई जे आ गया, ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में अब जो वैल्यू यहाँ पर लानी है वो माइनस में लानी है, तो सिंपली इसको उठा के हम इधर कर देंगे, तो ये वैल्यू माइनस में आ गई, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए, इसको उठा के फिर इधर कर देंगे, ये वैल्यू जो है वो माइनस में आ गई और ये हम फिर इसको आगे बढ़ गए, ठीक है ना। बेसिकली हुआ ये है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन मैंने करी है, थोड़ा सा गलत था यहाँ पर, ठीक है ना, तो अच्छी बात है आपकी करेक्शन भी हो रही है इसमें। तो ये देखें आगे बढ़ रहा था ये, तो ये उठा के इधर आ जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आगे चले जाएगा, ठीक है, आई इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आई उठा के इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा। यहाँ देखें अब जो है वो जे इधर आ जाएगा, तो जे माइनस का है ये, ठीक है ना, और के आगे बढ़ गया, आई भी आगे बढ़ गया, तो ये दोनों आगे बढ़ गए। सिंपल आप इस तरह कोई भी वैल्यू अगर पेपर में पूछ लिया तो आप ये चार्ट बना के सिंपली सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। इसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी थी कि आई इधर आया प्लस जे के, ठीक है, आई जे के। लेकिन अगर इस तरह मतलब कि ये अगर क्लॉक वाइज घूमेगा तो हम क्लॉक वाइज वैल्यू को कहेंगे पॉजिटिव, लेकिन ये एंटी क्लॉक वाइज जब घूमेगा तो ये तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है ना। ये भी एक एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट है कि बताएं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कौन सी वैल्यू आ जाती है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती है, और एंटी क्लॉक वाइज में ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉक वाइज में नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती हैं। ये देखें
आई माइनस आई माइनस के माइनस के माइनस जे, ये तमाम चीज़ें वो यहाँ पर हम सीख चुके हैं, ठीक है ना।